अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। कल रात भोपालापल्ली ज़िले में कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के मिडीगड्डा बैरेज के हादसे के बाद ट्रैफिक रोक दी गई और सिर्फ हल्की गाड़ियों को ही चलने की इजाज़त दी गई। बीजेपी ने तेलंगाना असम्बली चुनाव के लिए 52 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। बीआरएस हुकूमत के साबिक वजीर एटला राजेंद्र हजूराबाद नशस्त के अलावा वजीर आला चंद्रशेखर राव के खिलाफ गजबेल हल्के में मुकाबला करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने मिडीगड्डा बैरेज डूबने की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। आवाम मजहबी जोश व खरोश के साथ आज दुर्गाष्टमी और सिद्धुला बतकुम्मा मना रहे हैं। खबरें अब तफसील के साथ। तेलंगाना के जयशंकर भोपालपल्ली जिले में कल रात एक बड़ी आवाज़ के साथ कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लक्ष्मी बैरेज के पुल का एक हिस्सा गिर पड़ा। इस हादसे की वजह से तेलंगाना के महादेवपुर मंडल को महाराष्ट्र के गुडुचली जिले से जोड़ने वाले रास्तों को एहतियाती इकदाम के तौर पर गोदावरी के बैरेज के पुल को बंद कर दिया गया। ज़राए ने यह बात बताई। शुबा है कि बैरेज का एक सुतून जुज़वी तौर पर डूब गया। गाड़ी सवारों ने सबसे पहले इस नुकसान को महसूस किया और फौरी महकमे आबपाशी के अहदेदारों को चौकस किया, जिन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने इस बात को यकीनी बनाया कि ट्रैफिक पूरी फौरी रोक दी जाए और सिर्फ हल्की गाड़ियों को तेलंगाना और महाराष्ट्र को जोड़ने वाले बैरेज पर चलने की इजाज़त दी गई। इस हादसे की वजह से कालेश्वरम प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने 10.7 TMC फीट पानी छोड़ने के लिए बैरेज के तमाम 46 दरवाजे खोल दिए ताकि सुतूनों का मुकम्मल मायना किया जा सके। ज़राए ने बताया कि 1.6 किलोमीटर लंबे बैरेज में 87 सुतून है और इसमें 16.17 TMC फीट जखीरे की गुंजाइश है। प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने इस हादसे के बारे में मकामी पुलिस को खबर दी और इस हादसे की वजह मालूम करने के लिए तफसीली छानबीन शुरू की। प्रोजेक्ट इंजीनियर्स और बैरेज तामीर करने वाली कंपनी के अहदेदारों ने इस जगह का मायना किया। LNT ने यह बैरेज तामीर किया था और 5 साल तक इसकी देखभाल की जिम्मेदारी कंपनी को दी गई थी। अहदेदारों ने बताया कि मुकम्मल पानी बैरेज से जारी किए जाने के बाद ही नुकसान की शिद्दत का अंदाज़ा किया जा सकेगा। मरम्मत के लिए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त लगेगा, लेकिन सुतून के इस्तेहकाम को होने वाले नुकसान को देखने के बाद ही सही वक्त बताया जा सकता है। मिडीगड्डा बैरेज जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का पहला बैरेज है को 28.5 लाख क्यूसिक पानी की बहाव से निमटने के मकसद से डिज़ाइन किया गया था और पिछले साल इसने 28 लाख क्यूसिक के बहाव को संभाला था। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने तनकीद की है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट का हकीकी चेहरा बेनकाब हो गया है। उन्होंने सवाल किया कि क्यों मिडीगड्डा बैरेज डूब गया जबकि कोई सैलाब भी नहीं आया। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने इस हादसे के लिए KCR खानदान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि खराब मैार की वजह से और 1 लाख करोड़ रुपये की करप्शन की वजह से यह हादसा पेश आया है। रेवंत रेड्डी ने मिडीगड्डा बैरेज के डूबने के मामले की सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जरिए तहकीकत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को खत लिखते हुए दरख्वास्त करेंगे कि इन्हें मिडीगड्डा जाने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने यह भी मुतालबा किया कि BJP मरकजी हुकूमत पर दबाव डाले ताकि इस हादसे की तहकीकात की हिदायत दी जाए, क्योंकि पार्टी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला और तेलुगु देशम के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने जो जेल में है आज जेल से तेलुगु आवाम के लिए एक खत जारी किया। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ देर हो लेकिन इंसाफ की जीत होगी और वो जल्द ही बाहर आएंगे। चंद्रबाबू ने कहा कि वो जेल में नहीं बल्कि आवाम के दिलों में है। उन्होंने तेलुगु रियासतों के आवाम को दशहरा की मुबारकबाद दी। BJP ने मिडीगड्डा बैरेज को दुनिया की सबसे बड़ी आपाशी गलती करार दिया है और मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत बैरेज की सलामती के बारे में मुकम्मल तहकीकात कराएं। पार्टी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में मीडिया से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत से कहा कि वो डैम सेफ्टी अथॉरिटी को फौरी तलब करे और हर तरह के एहतियाती कदम उठाएं। किशन रेड्डी ने मिडीगड्डा के लक्ष्मी बैरेज के सुतूनों का मायना करने के लिए इंजीनियर्स को इजाज़त न देने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। किशन रेड्डी ने कहा कि इस बैरेज से कुछ लोगों ने पैसा बनाया लेकिन आवाम के लिए कार आमद नहीं था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बैरेज के पंप सैलाब के पानी में डूब गए और अब कुछ सुतून डूब रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसी भी तरह के नुकसान को रोके। किशन रेड्डी ने यह भी कहा कि BJP उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त का दशहरा के बाद ऐलान किया जाएगा और इंतखाबी मुहिम तेज़ की जाएगी। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह इस महीने की आखिरी हफ्ते में फिर से दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि BJP घर घर मुहिम पर तवज्जो देगी और कारपेट
और खानदानी हुकूमत के खिलाफ पार्टी के मौकफ को समझाएगी। మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ గేట్లు కుంగిపోతా ఉన్నాయని నిన్న రాత్రి నుంచి ఈ ప్రాంతంలో గందరగోళం ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన భారతవాసులు కూడా ఆందోళనకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్న తరుణంలో అంటే అసలు ఏం జరిగిందని తెలుసుకోవడానికి మేము గాని ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన జెడ్పిటిసి సభ్యులు ఎంపీపీ గారు సర్పంచ్ గారు ఈ గ్రామానికి సంబంధించిన సర్పంచ్ గారు ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ఆ జిల్లా అధ్యక్షులు బ్లాక్ అధ్యక్షులు మండల అధ్యక్షులు వీరందరం కూడా వచ్చి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం అని ముందుకు వెళ్తా ఉంటే పోలీసు వాళ్ళు అడ్డుకున్నారు అసలు ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారో తెలియదు మేము ప్రజాస్వామిక బద్ధంగా ఈ ప్రాంత ప్రజాప్రతినిధిగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తామయ్యా అసలు సంఘటన ఏం జరిగింది ఎంతవరకు జరిగింది ఏ కోణం నుంచి జరిగింది అసలు కారణం ఏంటి అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అడ్డుకుంటాం మేము మీడియాలో చూసిన అంశాన్ని ఒకవేళ ఆ విధమైన కుంగుతూ ఉంటే రేపు పెద్ద ఎత్తున ప్రమాదం పొంచి ఉన్న తరుణంలో నిన్న నీళ్లు వదలటం వలన పశు సంపద నష్టమైంది పశువులు కొట్టుకుపోయినాయి రేపు ఇదే విధంగా మొత్తం గేట్లన్నీ కృంగిపోతే నీరు ఒక్కటేసారి ప్రవహిస్తే ఆ లోతట్టు ప్రాంతాలకు సంబంధించిన పశు సంపద కానీ మనుషులకు సంబంధించిన నష్టం కానీ ఆస్తి నష్టం కానీ పంట నష్టం కానీ పెద్ద ఎత్తున జరిగే ప్రమాదం ఉంది। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस महीने की 27 तारीख की दोपहर महबूबाबाद में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। रियासती वज़ीर रबली दयाकर राव और सत्यवती राठौर ने आज रैली के मुकाम और हेलीपैड पर इंतजाम का जायज़ा लिया। सत्यवती राठौर ने बताया कि KCR वो लीडर हैं जिन्होंने महबूबाबाद ज़िले को तमाम शोबों में तरक्की दी है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वह महबूबाबाद के जलसेआम को कामयाब बनाए। एक और वज़ीर रबली ने कहा कि रियासत के तमाम लोग BRS पार्टी के मंशूर का खैर मकदम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 30 नवंबर के तेलंगाना चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। मलून टी राजा सिंह को गोशामैल हलके से उम्मीदवार बनाया गया है, जिसकी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना बयानात के लिए मौतली बर्खास्त कर दी गई है। पार्टी के साबिक रियासती सदर मौजूदा कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय कुमार करीमनगर से मुकाबला करेंगे। पार्टी के रियासती इंतखाबी कमेटी इंचार्ज और BRS के साबिक वजीर अटला राजेंद्र को हजूराबाद और गजवेल दो हलकों से उतारा गया है। वो रियासत के चीफ मिनिस्टर और BRS सरबराह से गजवेल में इनके गढ़ में मुकाबला करेंगे। फहरिस्त में 3 मौजूदा अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं, जिनमें बंडी संजय कुमार, स्वयं बापू राव और अरविंद धर्मापुरी हैं। स्वयं बापू बुद्ध हल्के से जबकि धर्मापुरी कोरटला से मुकाबला करेंगे। 55 नशिस्तों में से 12 औरतों को दी गई है। पहली फहरिस्त में दर्ज फहरिस्त जातों के 6 और दर्ज फहरिस्त कबीलों के 6 उम्मीदवारों को मौका दिया गया। इसके अलावा वेलमा तबके के 5, गोर तबके के 3, यादव तबके के 3 और मदिराज तबके के 2 उम्मीदवारों को पार्टी टिकट दिया गया है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने यह बात साफ की है कि इंतखाबी जांच के तहत नकदी और जेवरात की जब्ती के मामलों में मुतल्लिका शख्स को रसीद देनी चाहिए। उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वह नकद रकम और जेवरात वापस लेने के लिए अपील करने के बारे में ऐसे लोगों को तमाम तफसीलात से वाकिफ़ कराएं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने यह भी मशवरा दिया कि घर से वोट देने के ख्वाहिशमंदों के लिए वेबसाइट पर फॉर्म 12D अपलोड करना चाहिए। विकास राज ने अहदेदारों को यह भी हिदायत दी कि वह ज़िला सतह की शिकायत कमेटियों के बारे में तशहीर करें। इस दौरान असम्बली चुनाव के दौरान जाँच के दौरान जब्त नकद रकम, शराब, जेवरात और तोहफ़ों की मालियत 300 करोड़ से ज़्यादा हो गई है।
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि इस महीने की 9 तारीख को इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद जब्त नकदी शराब नशावर चीज़ों सोने चांदी और तोहफों की मालियत 307 करोड़ 20 लाख रुपये से ज़्यादा हो गई है। पूरे तेलंगाना में 9 रोज़ा बतकमा तकारीब आज सदुला बतकमा के साथ ख़त्म हो गई। अवाम खासतौर पर औरतों ने रियासत के अलग अलग हिस्सों में सदुला बतकमा मनाया और फूलों से सदुला बतकमा तैयार किया। रिवायती पूजा के बाद बतकमा को मुख्तलिफ तालाबों और कुंटों में बहाया जाएगा। दोनों शहरों में अवाम ने जोश व खरोश के साथ बतकमा त्यौहार मनाया। टैंक बैंड पर अब से कुछ देर पहले तकारीब शुरू हुई। इन तकारीब की वजह से टैंक बैंड से ट्रैफिक को मोड़ा गया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने सदुला बतकमा के मौके पर तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद दी। चीफ जस्टिस की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना हाईकोर्ट 1 नवंबर से पेपरलेस मोड में अपना काम शुरू करेगा। इस सिलसिले में एक रस्मी नोटिस जारी की गई है। नोटिस में कहा गया कि तमाम वकीलों और फरीकों से दरख्वास्त की जाती है कि वो नए फाइलिंग सेक्शन को हार्ड कापी दाखिल करने से पहले तमाम केसों या दरख्वास्तों की डिजिटल नकल ई मेल करे। इसके लिए जो ई मेल एड्रेस दिया गया है वो है tshc.th1@gmail.com। इसराइल की दहशतगर्दी 27 अक्टूबर को याकूतपुरा बड़ा बाजार से एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। तहरीक मुस्लिम शबान की ज़ेर क़यादत कुल जमाती इजलास ने इसराइल की दहशतगर्दी फ़लस्तीनियों और गजा के अवाम पर बमबारी और जिसमें हज़ारों बच्चे ख़वातीन और नौजवान शहीद हुए हैं के ख़िलाफ़ 27 अक्टूबर को बाद नमाज जुमा बड़ा बाजार याकूतपुरे से बराए दबीरपुरा दारुशिफा ग्राउंड एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान किया है। सदर तहरीक मुस्लिम शबान मोहम्मद मुश्ताक मलिक की ज़ेर सदारत तहरीक दफ्तर तहरीक शबान वाक़ आज़मपुरे में हफ्ते को बाद मगरिब कुल जमाती इजलास मुनाकिद हुआ। अजलास में मौलाना तकी रज़ा आबिदी, तंजीम जाफरिया, मुनीरुद्दीन मुजाहिद तहरीक खैरुमत, मुजाहिद हाशमी मजलिस अमल, डॉक्टर तौफीकुल्लाह वहदत इस्लामी, मोहम्मद शकील एडवोकेट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नाज़िमुद्दीन फारूकी सलामा फाउंडेशन, अब्दुल मन्नान CPI, मतीन शरीफ कांग्रेस और मोहम्मद समीउल्लाह नायब सदर तहरीक मुस्लिम शबान, शहबाज अली खां महदविया कौमी मूवमेंट, मुश्ताक मलिक ने कहा कि फ़लस्तीन का मसला कोई सियासी मसला नहीं बल्कि ये इंसानियत का मसला है। दुनिया की सुपर पावर ताकतें बातिल इसराइल का साथ दे रही लेकिन हक के आगे सब पसपा हो जाएंगे। उन्होंने मरकज़ की BJP हुकूमत की जानिब से इसराइल के मौक़ की तायद करने पर भी शदीद रद्दअमल का इजहार किया और कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिस नज़रिए की तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं इनसे और क्या तवक्को रखी जा सकती है। चुनांचे इन हालात में हमको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला की नुसरत और मदद हासिल रहेगी और अल्लाह ताला का वादा है कि हक बुलंद होकर रहेगा और बातिल मिट जाएगा। मुश्ताक मलिक ने कहा कि जिस कौम ने 75 साल से पत्थरों से मुकाबला करके क़िबले अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ किया है नुसरत इलाही से बहुत जल्द बैतुल मुक़द्दस की बाज़ियाबी होगी और बाबरी मस्जिद में भी अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद होंगी। क़िबले अव्वल की बाज़ियाबी व मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की फ़तेह और नुसरत के लिए एक दिन का इतिकाफ़ 21 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब तक, 22 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब फ़लस्तीनी मुसलमानों की फ़तेह और नुसरत के लिए एक नफिल रोज़ा मस्जिद अशरफ करीम हुदा कॉलोनी मेन रोड 9 नंबर किशनबाग हैदराबाद में अहतमाम किया गया था। हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद सज्जाद खान मौज़िन मस्जिद अशरफ करीम की क़िरात कलाम पाक से महफिल का आगाज़ हुआ। नात शेखोनैन अहमद बावज़ीर फ़रहतुल्ला शरीफ मोहम्मद फरीदुद्दीन ने पेश की। मौजूद मुकर्रिनीन इकराम हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल क़ादर सैफ़ी अल मारूफ़ इरफानुल्लाह शाहनूरी सदर अंजुमन सैफुल इस्लाम, हज़रत मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी सामी अल मारूफ़ जाफ़र पाशा मीर इमारत मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मौलाना सैयद शालिमुल्लाह हुसैनी अल मारूफ़ काशिफ पाशा खतीब जामे मस्जिद राजेंद्र नगर, हज़रत मौलाना मोहम्मद महामिद हलाल आज़मी कामिल जामे निज़ामिया नायब सदर आल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल, हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल खुदूस कामिल जामे निज़ामिया व इमाम ख़तीब जामे मस्जिद रनसपुरा, हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी ख्वाजा शाह मुकीमुद्दीन क़ादरी चिश्ती ने मुखातिब किया। ज़ेर एहतमाम अली इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल व अल करीम ट्रस्ट की निगरानी में यह प्रोग्राम मुनाकिद किया गया था जिसमें मुसल्लियाने इकराम की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। आखिर में अमीर इमारात मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना मोहम्मद उसामुद्दीन सानी अल मारूफ जाफर पाशा के रिक़त अंगेज़ दुआ की गई। इस मौके पर मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी सरदर आल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। के लिए जो बेचैन और बेकरार हैं वो जुमे को
नमाज जुमा के बाद 2 बजे से 2:30 बजे का वक्त दिया जा रहा है वहाँ असम्बल होने के लिए। वहाँ से इंशाल्लाह हम मार्च करेंगे दारुशफ़ा मैदान की तरफ। दारुशफ़ा मैदान में दुआया इज्तिमा होगा और उसके बाद ये एहतजाज इख्तिताम पज़ीर होगा। ये एहतजाज दक्कन की तारीख का अज़ीमुश्शान एहतजाज होना चाहिए। तमाम नौजवानों से, अइम्माए मसाजिद से, मदारिस के असातिज़ा से, तलबाए दीनी मदारिस से और हर वो फ़र्द जो कारोबारी इदारे से मुंसलिक हैं, जो नौकरियां करते हैं, हर वॉक ऑफ लाइफ के मुसलमानों से और इंसानियत को पसंद करने वाले हमारे बरादरान वतन से हम गुजारिश करते हैं कि याकूतपुरा बड़ा बाज़ार जुमे को 2 बजे से 2:30 बजे के दरमियान जमा हो जाएं। अतराफ के तमाम मसाजिद से हम गुजारिश कर रहे हैं कि 2 बजे से पहले नमाज जुमा का अख्तिताम हो जाए और 2 बजे याकूतपुरे बड़े बाज़ार से हम असम्बल। जो बात अभी कही गई है उसी की मैं दोबारा फिर से ताकीद करता हूं कि जो बात तय किया है सब ने तय किया है और किसी ने सारे लोग मुत्तहिद हैं इस बात पर कि जुमे के दिन 2 बजे से 2:30 बजे के दरमियान सारे लोग जमा हो जाएं और एक साथ एक वक्त में निकलें और डिसिप्लिन का ख्याल रखें और सब के सब जो है अपने जज्बात को कंट्रोल करें। और क्योंकि ये जो रैली निकाली जा रही है मुसलमानों के जज्बात को एक जो है उनके इत्मीनान के लिए किया जा रहा है ताकि जो है मुसलमान जो है अपने जज्बात को का सही तौर पर इजहार कर सके अपनी दुआओं के ज़रिए से, अपने इत्तेहाद के ज़रिए से, आपस में मेल मिलाप के ज़रिए से मजलूमों का साथ दें। वो लोग जिन्हें बेगुनाह मारा जा रहा है वो लोग और ये नस्ल कुशी जो की जा रही है उसकी रोकथाम ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा बच्चे मारे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है ख़वातीन मारे। यूपी में जराइम अपने शबाब पर, अखिलेश यादव का बयान। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने इतवार को बीजेपी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि नज़्म व नस्क़ और जराइम के हवाले से वज़ीर आला का दावा हवा हवाई है। रियासत में जराइम शबाब पर है, नज़्म व नस्क़ खस्ता हाल है। बीजेपी हुकूमत में दबंगों और मुजरिमीन को खुली छूट मिली हुई है। यादव ने कहा कि राजधानी लखनऊ समेत पूरी रियासत में जराइम का दौर दरा है। बीजेपी हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस छूटा है। लखनऊ ज़िले के मोहनलालगंज इलाके में एक खातून के साथ धमकी देकर इस्मत दरी की गई। खुद बीजेपी डिवीज़नल सदर के घर में चोरों ने लाखों का माल चोरी कर लिया। ऑटो पर बैठी खातून ने दारोगा का चैन उड़ा दी। कानपुर में बीजेपी लीडरों की मार से दवा कारोबारी भाटिया की आँख को भी नुकसान पहुँचा। पुलिस देखती रही। बीजेपी दबंगों को रोकने की हिम्मत नहीं हुई। कहीं बीजेपी किसानों की ज़मीनें धोखे से छीन रही और कहीं कारोबारियों से रंगदारी वसूल कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिखावे के लिए बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम चलाती है, जबकि बीजेपी इख्तदार में ख़वातीन बच्चियों के साथ सबसे ज़्यादा मुजरिमाना वाक़ियात हुए हैं। हुकूमत के गुरूर में बीजेपी दबंगई कर रही है। सीतापुर में बीजेपी लीडर के बेटे के गुंडे बेटों ने 2 बहनों की सरेआम पिटाई की है, जिसके मनाज़िर सामने आए। इन्हें एमएलए के मुलाजिम ने एक गरीब चाट वाले पर मोटरसाइकिल चढ़ा दी थी। जालौन के माधोगढ़ कोतवाली इलाके में खेत पर चारा लेने गई लड़की के साथ प्रधान के भतीजे ने इस्मत दरी की तो पुलिस मामला दर्ज करने में टाल मटोल कर रही है। राय में तनहा खातून के साथ इस्मत दरी की गई। उन्होंने हुकूमत पर हमला करते हुए कहा वज़ीर आला का बुलडोज़र गरीब के घर जाता है, दबंगों के गैरकानूनी तामीरात पर बुलडोज़र क्यों नहीं पहुंच पाता। अपनी पार्टी के दबंग लोगों पर कार्रवाई करने में बीजेपी हुकूमत की सांसें फूलने लगती है। यह हुकूमत मुजरिमीन माफियाओं की महाफिज बन गई है। बीजेपी हुकूमत से सभी परेशान हैं। ख़वातीन बेटियां महफूज नहीं है। अवाम ये सब देख कर चुपचाप नहीं रहेंगे। साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अवाम बीजेपी हुकूमत को हटाकर इसका जवाब देंगे। रियासत तेलंगाना में BRS का किसी से मुकाबला ही नहीं। KCR की बहसियत चीफ मिनिस्टर हैट्रिक यकीनी। शोलापुर में के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में BRS का किसी से मुकाबला ही नहीं है। यहाँ एक तरफा नतज में BRS पार्टी तीसरी मरतबा भी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव की बहसियत चीफ मिनिस्टर हैट्रिक यकीनी है। इन ख्यालात का इजहार के कविता रुकन कानून साज कौंसिल BRS ने किया। वो शोलापुर महाराष्ट्र में अखबारी नुमाइंदों से बात कर रही थी। के कविता ने कहा कि तेलंगाना में BJP का कोई वजूद नहीं है, तमाम हलकों से BJP उम्मीदवारों की ज़मानतें जब्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए BRS ने ग्रांकदर
खिदमात अंजाम दी है। पार्टी की कारकर्दगी ही हमारी कामयाबी की कली साबित होगी। कविता ने इस्तफसार किया कि कांग्रेस की तरफ से जो 6 जमानतों का तस्करा किया गया, आखिर इसका जामिन कौन है? क्या कौमी सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस बात की गारंटी दे सकते हैं? कविता ने कहा कि KCR की क्यादत में गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान किसानों, ख़वातीन, नौजवानों, SC ST BC तबक़ात की तरक्की व फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमात पर अमल किया गया। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम काफ़ी खुश और मुतमईन है। तेलंगाना के अवाम चीफ मिनिस्टर KCR को एक बार फिर अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। कविता ने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में BJP ने 100 से ज़ायद नशिस्तों पर अपनी ज़मानत खो दी थी और इस मरतबा तमाम हल्कजात पर से BJP उम्मीदवारों की ज़मानतें जब्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कविता ने कांग्रेस पर शदीद तनकीद की और कहा कि 65 बरस तक कांग्रेस इख्तदार से फ़ायदा उठाती रही, ताहम आवाम की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके बरखिलाफ़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सिर्फ 10 बरस के दौरान तेलंगाना की बेमिसाल तरक्की को यकीनी बनाया। कविता ने कहा कि BRS हुकूमत की कारकर्दगी से आवाम बखूबी वाकिफ यहाँ और इन्हें मुकम्मल यकीन है कि आवाम BRS पार्टी को शानदार कामयाबी से हमकनार करेंगे। कविता ने खुशी मुसरत का इजहार किया कि महाराष्ट्र में तेलंगाना के कल्चर को जारी रखा गया। तेलंगाना के आवाम की तरह महाराष्ट्र में भी गंगा जमुना तहजीब की झलक है। कविता ने महाराष्ट्र में हैंडलूम की सनतों का दौरा किया। उन्होंने बीड़ी वर्कर्स से भी मुलाकात की। वाजिर है कि कविता बदकम्मा तकरीब में शिरकत के लिए महाराष्ट्र के दौरे पर है। शोलापुर में आमद पर कविता का शानदार इस्तकबाल किया गया। कविता ने ख्वातीन और लड़कियों की कसीर तादाद के हमरा बदकम्मा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र जय भारत, अंदर की नमस्कारम। शोलापुर पहले बार मैं आई हूँ, सुना बहुत है शोलापुर के बारे में, लेकिन आई पहले बार हूँ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितना नाम शोलापुर का सुना है, जितने मोहब्बत यहाँ के लोगों के बारे में सुना है, वहाँ मैंने पाया है, बहुत अच्छा है। और यहाँ काफ़ी सारे हमारे तेलंगाना के लोग आके बस चुके हैं बहुत सालों से, तो उनसे मिलके और भी अच्छा लग रहा है। अभी तक तेलुगु में बात कर रहे हैं, तेलुगु के गाना गा रहे हैं, तेलुगु के जो कल्चर है वो कायम उन्होंने रखा है इतने जनरेशन्स के बाद भी, बहुत ही अच्छी बात है। साथों साथ मराठी का जो कल्चर है, महाराष्ट्रियन जो कल्चर है, उससे भी पूरा तालमेल बहुत अच्छे से हुआ है। तो ये जो तालमेल है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, यही तो हम पूरे हिंदुस्तान में चाहते हैं, और यहाँ शोलापुर में देखने के लिए मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में शोलापुर का जो एक इतिहास है, जो यहाँ के लोगों में जो लड़ने की शक्ति है, ताकत है, जिस तरीके के देशभक्ति यहाँ के लोगों ने प्रदर्शन किया है, उसको मैं बहुत बहुत सलाम करती हूँ। उनको दिल से ये कहती हूँ कि अभी भी देश को पूरा इंस्पायर करता है जो शोलापुर के घटना घटी है, तो बहुत अच्छा लगा। और भी देखना बाकी है, अभी आई हूँ, 2 ही घंटे बचे हैं, और भी देखना बाकी है। बीड़ी वर्कर से मिलना है, हैंडलूम फैक्ट्री भी जाके देखना है, पावरलूम भी जाके देखना है, तो उसके बाद और कुछ अच्छे से बोल पाएंगे। लेकिन शोलापुर का ओवरऑल महाराष्ट्र और तेलंगाना का रोटी बेटी का रिश्ता है, हमारा एक अच्छा नाता है, इसको कायम करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय महाराष्ट्र, जय भारत। हल्का असम्बली गोशा महल के दत्तात्रेय नगर में गोशा महल कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार सुनीता राव की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। सुनीता राव ने हल्का असम्बली गोशा महल के दत्तात्रेय नगर में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इस इलाके के मुख्तलिफ गोशों में से ताल्लुक़ रखने वालों में कांग्रेस पार्टी की 6 जमानतों को और वाकिफ करवाया। उन्होंने अखिलती तबके से ताल्लुक़ रखने वालों से मुलाकात की और उनसे दरख्वास्त की कि वो कांग्रेस को वोट देकर इनको कामयाब करे। उन्होंने वादा किया कि अगर वो इस हल्के से रुकन असम्बली चुनी जाती हैं तो वो यहाँ की आवाम के लिए शब व रोज़ इनकी खिदमात के लिए मौजूद रहेंगी। मकामी आवाम ने इनकी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, कसरत से गुलपोशी और शाल पोशी की गई। आशीर्वाद दीजिए। अंदर अंदर चलो अंदर।
ये बन कर दिया और ये जो होना है पार्टी को बीआरएस पार्टी को वोट दिए तो बीजेपी को चले जा रहा, फिर राजा सिंह जीत रहे, फिर राजा सिंह क्या करा अब तक 9 साल में क्या करे बोलिए? हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, ये काम करते हुए आए। हिंदू मुस्लिम सब भाई बहने हैं हम लोग का, सब आज यहाँ पे पूरे हमारे मुस्लिम भाई हैं, तेह दिल से मेरे को यहाँ पे लेकर आए। आज गली गली मोहल्ले पे फिरे तो सब लगा एक ही नारे लगा रहे, कांग्रेस सरकार तेजब अच्छे थे मैडम, गरीब लोगों का कम से कम खिदमत तो करते थे, 9 चीज़ राशन में मिलते थे, आज किसी को राशन पे एक चावल भी नहीं मिला। आज आप देखे गए तो कीड़े पड़े से चावल मिल रहे, 2500 हमारे गारंटी स्कीम में महालक्ष्मी में, इसीलिए औरत बच्चे को पहली बार यहाँ से ठहराए और गोशा महल से, और मैं नाज करती हूँ कांग्रेस पार्टी की और तय दिल से सोनिया जी की शुक्रिया अदा करती हूँ। हम टक्कर देने में, राजा सिंह को टक्कर देने में एक औरत काफ़ी है कांग्रेस पार्टी से बोल के हमको यहाँ पे ठहराए, और 2500 रुपीस महालक्ष्मी स्कीम के नीचे हर एक औरत बच्ची के अकाउंट में आ जाएंगे फर्स्ट के डेट के दिन, और 500 रुपये में सिलेंडर देंगे हम, और बस ट्रैवल फ्री है, और बुजुर्गों के 2 लोगों को पेंशन दे रहे वो भी हम 2 लोगों को दे रहे, बोले 1 लोगों को देते, आज 2000 पेंशन दे के 1200 रुपये सिलेंडर डाल के किसको कान में फूल लगा रहे, आज 200 यूनिट करंट का भी हम लोग फ्री दे रहे, और कर्नाटक में इम्प्लीमेंटेशन करे फी रिएम्बर्समेंट नहीं है, 12% बोल के 12% रिजर्वेशन बोल के। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाजत, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।